दोस्तों जामिया के नोटिस आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि शाम में नोटिस जरूर आएगी, वैसे ही हुआ। जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूं, जैसे मॉर्निंग में एक वीडियो डाला था, मैंने बताया था आज शाम को जरूर नोटिस आएगा, और वैसे ही शाम को नोटिस आ गया है। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दोस्तों अभी भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी जैसी भी यूजफुल वीडियोज, यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल जो भी चीजें आती है अलीगढ़ जामिया, DU, BHU और देश की जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैं तुरंत वीडियो बना के आपके पास लेके आता हूं। फ्री में वीडियो सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपको बताता हूं जामिया के ये नोटिस आया है, इसमें क्या-क्या लिखा है आप देख सकते हैं। आप है जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसमें बहुत सारे नोटिस ऊपर ब्लिंक कर रही है। इस नोटिस में देखेंगे कि लिखा हुआ है नोटिस में, जैसे एक नोटिस ब्लिंक करके आएगा, इसमें लिखा होगा कि आपका जो फॉर्म का एप्लीकेशन का जो डेट था वो आज तक था, 15 तक था, लेकिन एक्सटेंड करके उसको आगे बढ़ा दिया गया है। हम अभी सर्कुलर भी देखेंगे, जो ऑफिशियल सर्कुलर है, ऑफिशियल सर्कुलर भी देखेंगे आपको। आप ऑफिशियल सर्कुलर को मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये नोटिस आई है 15 अप्रैल की, यानी आज ही के डेट में ये नोटिस आई है। इसमें थोड़ा सा झिलमिल जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, मुझे दिख रहा है अच्छे से। आपको हो सकता है वीडियो में अच्छी ना दिखे, लेकिन ये जामिया मिलिया इस्लामिया का नोटिस है। साफ साफ इसमें लिखा है कि इन द व्यू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन पीरियड एंड गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डेटेड 15th April 2020, द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग स्कूल्स हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टिल 4th May। यानी 4 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसका, स्कूल्स का और यूनिवर्सिटी का। यानी जामिया में क्लास 1st का, क्लास 6 का, 9th का, 11th का, ग्रेजुएशन का, सर्टिफिकेट का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, PhD का, जितने भी टाइप्स के फॉर्म्स जामिया में होते हैं सबका फॉर्म निकल गया है। और सबका फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 4 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं फॉर्म निकला है कि नहीं निकला है, तो मैं आपको फिर से कान खोल के सुन लीजिए कि फॉर्म बहुत पहले निकल चुका था, अब तो एक्सटेंशन 2 बार हो चुका है। हो सकता है, अब मैं एक गेस करके बताता हूँ, हो सकता है ये 4 मई का जो डेट है वो आगे फिर बढ़ जाए, या एडिट करने का ऑप्शन कब आएगा, 4 मई का खत्म होने के बाद। तो 4 मई जिस दिन होगा उस दिन नोटिस फिर आएगी, या तो एक्सटेंड किया जाएगा फर्दर डेट, या उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जो स्टूडेंट का किसी का फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, यानी फोटो गलत लगा दिया है, किसी को डेटा चेंज करना है, किसी का कुछ चेंज करना है, बहुत सारे उनका पर्सनल डेटा चेंज करना है, तो उनको मैं बता देता हूं, जिनको डेटा चेंज करना है 4 मई को फिर शाम को नोटिस आएगा। अब 4 मई को शाम में जरूर मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आपको जरूर अपडेट मिलेगा कि या तो एक्सटेंशन होगा डेट का, नहीं तो एडिट करने का ऑप्शन का नोटिस आएगा, कब, 4 मई को। और आपका एग्जाम का जो बातें हैं, आप लोग बार बार पूछ रहे कि एग्जाम कब आएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियोज में हमेशा बताते आ रहा हूं कि कोई भी देश कोरोना वायरस से 20 दिन में, 21 दिन में नहीं निपटा है, सबको 3 महीने लगे हैं। तो अपने देश में भी इसको स्टेबल होने में 3 महीना लगेगा, तो जून से ही आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा, चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। तो आपको तैयारी करने का मौका मिल गया है। जो कोर्स के कमेंट्स ज़्यादा आते हैं उसका वीडियो बनता है। 9th के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, 11th के मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इसलिए डेली आपको वीडियो 9th का और 11th का मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि एंट्रेंस एग्जाम तक हम सिलेबस भी पूरा कर लेंगे। तो आप जिस कोर्स के हैं कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों से भी कमेंट करवाइए। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे उसके तो वीडियो इसलिए नहीं बनता है आपके कोर्स के, क्योंकि सिर्फ 1-2 कैंडिडेट्स होते हैं, वीडियो बनता है सिर्फ 2-3-4 ही लोग देखते हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े, आप लोगों को जोड़े। आप जितने भी कमेंट्स करवाएंगे अलग अलग डिवाइसेस से, उतने वीडियो आने के ज्यादा चांसेस है। तो आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है 15 अप्रैल तक जो था वो एक्सटेंड होकर 4 मई तक हो गया। 4 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों का पेमेंट का इश्यू था, उनका भी ये सॉल्व हो गया, पेमेंट जरूर हो जाएगा। पेमेंट एक बार करें, 2 दिन वेट करें या 1 दिन वेट करें, पेमेंट को अपडेट होने दें, तुरंत तुरंत पेमेंट ना करें। जब तक 1 दिन लगता है या तो पैसे आपके वापस आ जाएंगे या अपडेट हो जाएगा आपके फॉर्म में। तो हो सकता है आपका कट गया है जो पैसा, वो अपडेट हो जाए, हो सकता है जो पैसा कटा है वापस आ जाए, तो आप वेट करें पेमेंट का, जब भी हो जाए तुरंत तुरंत पेमेंट ना करें। और एक और नोटिफिकेशन है, ये है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं आज ही के डेट का है ये, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार है। इसमें लिखा है इन द व्यू ऑफ होम मिनिस्ट्री अफेयर
जो होम मिनिस्ट्री है उससे गाइडलाइंस आई है 15/4/2020 को, इसमें नोटिफाई किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी क्लोज रहेगा 3 मई तक। However, the online teaching and assignment to continue as such. Online teaching शुरू रहेगी, आप अगर student है जामिया का तो online teaching लेते रहेंगे। Essential services जो भी रहेगी वो operational रहेगी। ये एपी सिद्धि के IPS officer की ये news है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये update जो है वो अच्छा लगा होगा, और अलीगढ़ का भी update मैं कल सुबह तक बता दूंगा, और भी university के जैसे guidelines आती है मैं सबको बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों, जय जामिया।